हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम देख रहे हैं यूएफएस बॉक्स के बारे में। अभी हम देखते हैं यूएफएस बॉक्स कैसे हमें इंस्टॉल करना है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं डीसीटी एक्सपीटी फाइव टूल्स बन चुका है। अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने पर यहाँ पे लाइसेंस टू आना चाहिए, लाइसेंस टू आना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि हमें ये फ्लैश कैसे करना है। मगर मोबाइल फोन फ्लैश करना होगा तो वो कैसे करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे लाइसेंस टू आ गया है। मैंने ये यूएफएस बॉक्स कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे लाइसेंस टू लिखा है। अब इसके बाद मुझे पहले हम ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है फ्लैश प्लस यूआई ऑप्शंस, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। ऑटो क्लियर रिजल्ट विंडोज ये भी क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी इंटरफेस हो, जैसे आप यूएसबी से फ्लैश कर रहे हैं तो आपको यूएसबी, या एफबस से फ्लैश कर रहे हैं तो एफबस क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे मैंने यूएसबी डाला हुआ है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे चेक ऑप्शन है, यहाँ पे इन्फो ऑप्शन है, वेरीफाई ऑप्शन है, और यहाँ पे राइट फ्लैश ऑप्शन दिया हुआ है, और एक सेल्फ दिया हुआ है, और यूए सेटिंग। अभी हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे चेक है, चेक से हम अगर चेक ऑप्शन है, जैसे अभी मैंने मोबाइल फोन कनेक्ट किया, वो बराबर उसको उनको चेक करना होता है कि बराबर कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए मेरे को चेक ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे मैं चेक ऑप्शन पर क्लिक करके देखता हूँ, अभी मैंने मोबाइल फोन कनेक्ट तो नहीं किया, बट जब मैं चेक पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर चेक पर क्लिक करूंगा, तो मैं मोबाइल फोन कनेक्ट करने के बाद तो मुझे मोबाइल फोन ऑन करने के लिए बोलेगा। जैसे मैं ऐप बस पे लाके इसे चेक पर क्लिक करता हूँ, चलो हम आगे देखते हैं। अभी इसके बाजू में एक ऑप्शन दिया है इन्फो, इन्फो से हमें पूरा डिटेल्स मालूम पड़ जाएगा कि हमारा आईएमईआई नंबर से लेके आईएमईआई नंबर सही है या नहीं है, क्या करप्ट हुआ है हमारे फोन में, हमें ये मालूम पड़ जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर में कोई चीज करप्ट हो चुकी है, जैसे आईएमईआई नंबर करप्ट हुआ है या तो ब्लूटूथ आईडी या फिर करप्ट हो चुकी है, तो ये सब चीजें हमें इन्फो से पता चल जाती है। वेरीफाई हम कर सकते हैं, ये ऑप्शन जरूर तो नहीं होता, बट वेरीफाई हम कर सकते हैं कि हमारा फ्लैशिंग जो हमने ये डाला है, क्या बोलते हैं उसे, फ्लैशिंग जो फर्मवेयर डाला है वो बराबर है और मोबाइल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाजू में जस्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है राइट फ्लैश करके, राइट फ्लैश जब हमें फ्लैशिंग करना होता है तब हमें राइट फ्लैश पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे यूए सेटिंग दिया हुआ है, यूए सेटिंग हमें कभी यूज करना है, जब हमें मोबाइल फोन का लॉक अनलॉकिंग करना होता है तब हम यूए सेटिंग पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, डीसीटी 3 दिया हुआ है, डीसीटी एल दिया हुआ है, डीसीटी 4, WD2 और BP5। अभी ये सब क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं BB5 में गया हूँ, अभी जितने भी लेटेस्ट फोन आए हैं नोकिया के, ये सब BB5 में आपको मिलेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब मॉडल दिया है, ये टाइप जो फोन के टाइप होते हैं, यहाँ पे टाइप दिया हुआ है, उसके जस्ट बाजू में दिया हुआ है मॉडल नंबर। तो आप इसमें देख सकते हैं ये नोकिया के हर मॉडल इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे C506, C505, C508, ये सब आपको जितने भी मॉडल्स हैं आपको सब टाइप करना होना चाहिए। आप मोबाइल फोन के पीछे कवर खोलेंगे, बैटरी नीचे आपको टाइप मिल जाएगी, या तो आप *#06# डाल के भी आप टाइप चेक कर सकते हैं, या तो सेटिंग से भी चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपका टाइप कौन सा है और आपका मॉडल नंबर, जो आपका टाइप होगा वही आपको मॉडल नंबर पे उसके बाजू में लिखा हुआ है। तो अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में जो भी आपका मोबाइल है वो डालना है। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे COR कोर करके लिखा है, PPM करके लिखा है और CNT करके लिखा है। कोर मतलब हमारी मोबाइल फोन की जो परमानेंट फाइल होती है वो कोर फाइल होती है। आपको यहाँ से कोर फाइल यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद PPM होता है, PPM हमारी लैंग्वेज की फाइल होती है, वो परमानेंट फाइल होती है, जो फाइल डिलीट नहीं कर सकते वो फाइल होती है कोर फाइल। जैसे मैसेज कॉन्टैक्ट्स, ये सब जो चीजें होती हैं जो हम डिलीट नहीं कर सकते, जो ऑप्शन वो ऑप्शन कोर फाइल होती है। उसके नीचे जस्ट PPM दिया हुआ है, PPM मतलब लैंग्वेज की फाइल होती है, भाषा की फाइल होती है कि आप कौन से लैंग्वेज का फाइल आप यूज कर रहे हैं,
जैसे इंडिया में इंग्लिश ज्यादा यूज होता है, इंग्लिश एंड हिंदी, तो हम पीपीएम फाइल में वो चेंज कर सकते हैं, हम चाइनीज लैंग्वेज भी डाल सकते हैं। सीएनटी, सीएनटी एक ऐसा फाइल होता है जैसे गेम्स, रिंग टोन, ये सब के लिए हमें सीएनटी फाइल होती है। तो ये तीन फाइल ज्यादा करके हम तीन फाइल के सपोर्ट से हम ज्यादा करके फ्लैश करते हैं। उसके बाद हम और भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे DCT3D है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोन आप फ्लैश, जो मोनोकोर के पहले के ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे वो फ्लैश करने के लिए हुआ है। DCT-L उसके भी जूनियर फोन के लिए दिया हुआ था। ये DCT-4 कैमरा वाले जो फोन थे उसके लिए दिया हुआ है यहाँ पर, जो कैमरा वाले फोन थे वो सब रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद दिया है यहाँ पे WD2 में हम देख रहे हैं एंगेज QT, जो ट्रंक मोबाइल से हटके बना हुआ था मोबाइल फोन, उसमें ये फ्लैश करने के लिए है। लेकिन अभी के जितने भी फोन है वो सब DP5 में ही आते हैं फ्लैश करने के लिए। तो अब ये यहाँ पे आपने देखा ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के बाद हम देखते हैं यहाँ पे UFS। UFS अगर आपको समझो, UFS इसलिए होता है अगर आपको कोई सपोर्ट फाइल डाउनलोड करनी है, जैसे कोई मोबाइल फोन के फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है तो आप कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है सपोर्ट करके, आप सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक ब्राउजर ओपन होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्राउजर ओपन हो चुका है, मतलब ब्राउजर ओपन हुआ, उसमें ये सारा सॉफ्टवेयर जो सपोर्ट साइड है वहां पे हम आ चुके हैं। जैसे अभी हम SWK में है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पैनल दिया हुआ है, अगर आपको पैनल डाउनलोड करना है, ये सब डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अभी हम नोकिया के लिए जा रहे थे तो नोकिया में देखते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर DP5 है, DCT-4 की फाइल्स आपको चाहिए, DCT-3 की फाइल चाहिए, आपको हर फाइल से यहाँ से मिल जाएगी। तो इसके बाद हम जाते हैं DP5 में। DP5 में आपको यहाँ पे चूज की फाइल चाहिए, आप कंट्रोल F से फाइंड भी कर सकते हैं, अगर आपको RM टाइप पता है तो आप यहाँ से फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपको हर फाइल्स यहाँ से मिल जाएगी, आपको इजिली वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये हमारा फर्मवेयर डाउनलोड करने के लिए सपोर्ट से हम गए थे। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये करना है। जब आप यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे मोबाइल फोन कनेक्ट कर, पहले मॉडल नंबर कोई सिलेक्ट कर लेना है। मॉडल नंबर सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे MCU, PPM, CNT जो आ गया है, हमें ये तीनों फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। ब्राउजर से जाके अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने फाइल डाउनलोड किया है, जहाँ से अभी हमने जैसे दिखाया मैंने, हम सबसे फर्मवेयर फाइल जो होती है, फर्मवेयर जो रहता है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हमें एक एक करके ये MCU, PPM, CNT सिलेक्ट करना है। तीनों फाइल्स के आगे ही लिखा होता है MCU, उसके लास्ट में लिखा होगा PPM, लास्ट में लिखा होता है CNT, तो आपको इजिली मालूम पड़ेगा कौन सी फाइल कौन सी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यूज इन फाइल सेटिंग्स, अगर ये ऑप्शन आपका क्लिक है, ऑटो क्लिक है, तो आप जैसे ही मॉडल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वैसे ही आपका, अगर आपके पास फर्मवेयर है अवेलेबल आपके हार्ड डिस्क पे कंप्यूटर में, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे ये फाइल्स सिलेक्ट हो जाती है, फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। फाइल सिलेक्ट हो जाएगी तो आपको जब डायरेक्ट आपको सिर्फ राइट फ्लैश पे क्लिक करना है, राइट फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे मोबाइल फोन फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद और एक ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम ये यहाँ पे UI सेटिंग करके जो मैंने बताया था, यहाँ पे एक UI ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे UI ऑप्शन पे आप हमेशा क्लिक रखें, UI ऑप्शन पे आप क्लिक रखें। जैसे ये फैक्ट्री अनलॉक के लिए, जैसे आपका फोन लॉक हो चुका है तो आप डायरेक्ट मोबाइल फोन को कनेक्ट करें, चेक करें, चेक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे ये UI ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करके डायरेक्ट UI सेटिंग पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हम UFS बॉक्स है, UFS बॉक्स का एक हमने डेमो लिया कि जिसको सॉफ्टवेयर है उसमें क्या कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं और कैसे हमें इसे यूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे फ्लैश करना है। हम एक मोबाइल फोन फ्लैश करके देखेंगे और एक मोबाइल फोन हम देखेंगे अनलॉक करके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।